चैनल सिजलिंग स्पाइसेस विद अपना। तो आज हम बनाएंगे एकदम फेमस नान खटाई, या आप इसे कुकीज भी कह सकते हैं। देखिए ये कितनी खस्ता बनी है, ये देखिए। हम इसे थोड़ा सा भी अगर इसे निकालें तो ये एकदम निकलकर तैयार हो जाएगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने अपना जो इडली छाछ है उसको गैस पर चढ़ा लिया है और उसको मैंने डाला है नमक। देखिए तो मैंने नमक डाल के उसे हीट करने के लिए रख दिया है। आपको नमक का कलर थोड़ा डल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसी नमक से पहले केक बनाया था और मैंने उस नमक को रखा था ताकि मैं उसका फिर से यूज कर सकूं। आप भी जब भी नमक का यूज करें उसे फेंके नहीं। तो हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और हमारे नमक को गर्म होने देंगे, तब तक हम बना लेंगे अपना बैटर। तो देखिए नान खटाई बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ मैदा लिया है एक कटोरी, 2 चम्मच बेसन लिया है उसका कलर अच्छा दिखने के लिए, 2 चम्मच मैंने लिया है सूजी उसमें क्रंचीनेस लाने के लिए, और यहाँ पे मैंने 1/3 कटोरी लिया है चीनी। तो चीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है। मैंने यहाँ लिया है बटर, या आप इसको बोल सकते हैं घी। तो मैंने यहाँ लिया है 1/2 कटोरी घी। तो ये रूम टेम्परेचर में है। थोड़ा सा पिस्ता, मतलब उसे डेकोरेट करने के लिए। थोड़ा सा नमक, नमक डालने से हमारा जो टेस्ट है वो और मिठास उसका एनहेंस होके आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप उसके लिए खाने का सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने घी को डालना है एक बाउल में। और इसी में हम डालेंगे अपना शुगर। शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लें, इसमें मिक्स कर लें तो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हमारा शुगर। इसको बहुत अच्छे से आप मेल्ट करें इसमें फ्लफीनेस आने तक। मैं इसमें और थोड़ा सा शुगर ऐड करूंगी। याद रहे नान खटाई बनाने के लिए हमें पानी या दूध किसी चीज का भी यूज नहीं करना है, बस इसी घी से हमें नान खटाई को बनाना है अच्छे से। ये बिल्कुल रेडी है। इसमें हम डालेंगे बेसन और सूजी, इन सबको डालकर अच्छे से आप फेंट लें। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। इसमें हम डालेंगे नमक, तो मैं 1 पिंच नमक डाल रही हूँ। इसमें डालिए बेकिंग पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैं मैदा एक साथ ऐड नहीं करूँगी, जब तक इसका एक डो बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक मैं मैदा को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। नान खटाई एक कुकीज़ है जो एक स्वीट है, एक मिठाई, या फिर आप इसे एक बिस्किट भी बोल सकते हैं, एक कुकीज़। तो त्यौहार हो कुछ भी हो हमें घर में आराम से हम इसे बना के रेडी कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें। इसमें देखिए इसमें एक बाइंड आना चाहिए, ये देखिए। तो इसमें और थोड़ा सा मैदा ऐड होगा। अगर ये बाइंड ना हो तो आप एक काम कीजिए, इसमें और थोड़ा सा घी ऐड करें या बटर ऐड करें। आप इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, पर बटर घी से इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना है, हाथों से इसे एक क्विक मिक्स देना है इस तरीके से। तो देखिए ये बिल्कुल बाइंड हो रहा है।
मैं इसमें या और घी या कुछ भी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मेरा जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार है। ये देखिए, इसका आप एक डो बना लें। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे गोले कर लेंगे। तो देखिए मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसा चम्मच का यूज करूं जिससे जो मेरे नान खटाई है वो सब एक सेम साइज का बने। तो मैं इस तरीके का ले लूंगी और इस तरीके से अपने पेड़े बना के रेडी कर लूंगी। इससे क्या होगा, आपका जो नान खटाई है वो बिल्कुल सेप में बनेगा और देखने में भी सुंदर दिखेगा। वो कहते हैं ना, खाना देखने में सुंदर हो तो खाने का मन अपने आप हो जाता है। बस इसलिए मैं इसे एक शेप में ले लूंगी। तो ये ले लिया है मैंने और इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से गोल करेंगे एक बॉल बना के। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से चेपटा कर देंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर यूज किया है तो ये फूलेगा, तो ज्यादा इसे नहीं करिए। और अभी क्या करना है, इसके ऊपर इस तरीके से कट लगाना है और इसे रख लेना है। तो अपने सारे नान खटाई को इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए इसे। देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर करना है थोड़ा सा गार्निश। तो मैं यहाँ पिस्ता से इसका गार्निश कर रही हूँ। आपको जिससे ठीक लगे, बादाम, आप उससे आराम से गार्निश कर लें। दबा दे थोड़ा इन्हें। और अब हम क्या करेंगे, इसलिए इडली मेकर में रखेंगे। देखिए हमारा जो सॉल्ट है बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ बनाऊंगी इडली छाछ। और आपको इसमें ऑयलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे इसमें घी डाला है तो इसमें ऑटोमेटिकली ऑयल है। आप इसमें बिल्कुल ऑयल ऐड ना करें और इसे इस तरीके से इडली छाछ के ऊपर रख दें, इसे कवर कर लें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में आप कुक करें। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम में हमने इसे कुक किया है। ये देखिए देखिए कितनी मज़ेदार सी बनी है हमारी नान खटाई, या आप इसे कुकीज बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सारे कुकीज़ को अच्छे से सेक लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा।